केंद्र सरकार ने मंगलवार को गेहूं सहित 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP बढ़ा दी। गेहूं की MSP पर 110 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जबकि जौ की MSP पर 100 रुपए की। इसके बावजूद भी किसान खुश नहीं है। किसानों का कहना है कि दाने दाने की खरीद के बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्थकता नहीं है। भारत सरकार की आयात निर्यात नीति किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करने के लिए उत्तरदायी है। वहीं गत वर्ष गेहूं का निर्यात 9 गुना तक बढ़ने से मूल्य में बढ़ोतरी हुई थी, तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त हुआ। लेकिन उस निर्यात नीति में किसानों के विरोध में परिवर्तन के कारण गेहूं के भाव नीचे आए और खरीद नहीं हुई। वहीं किसानों का कहना है कि दलहन और तिलहन के संबंध में वर्ष 2020-21 में खाद्य तेलों का आयात 135,04,000 टन किया गया, जिसका मूल्य 82,01,000 करोड़ रुपए था। इसी वर्ष में दालों का 25,00,000 टन का आयात किया गया, जिसका मूल्य 12,02,000 करोड़ था। खरीद नीति में भेदभाव के कारण भी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित किया जाता है। किसानों के कल्याण के नाम पर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 में चालू किया गया, जिसमें किसानों की आय के संरक्षण का उल्लेख किया गया। लेकिन जिन उपजों के आयात पर भारी खर्च किया जाता है, उन्हीं दलहन या तिलहन की 25% तक की खरीद का प्रतिबंध का अर्थ 75% उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की परिधि से बाहर धकेलना है। वही किसानों का कहना है कि 31 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में अरहर, मसूर और उड़द में 25% के प्रतिबंध में ढील देकर 40% तक खरीद का संशोधन किया गया, पर मूंग और चना को छोड़ दिया गया। देश के कुल उत्पादन में से राजस्थान में आधा मूंग का उत्पादन होता है। इसी प्रकार चना उत्पादन में भी राजस्थान देश में मध्य प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। दोनों उपजों का किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी प्राप्त नहीं हुआ है और गत वर्ष भी ये उपजे घाटे में ही बेचनी पड़ी। यह भेदभावपूर्ण नीति खरीदी नीति भी अन्यायकारी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून सर्वोत्तम मार्ग है। किसानों का कहना है कि जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गठित समिति की रिपोर्ट नहीं आए व सरकार द्वारा सकारात्मक कार्यवाही ना की जाए, तब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में क्रय विक्रय को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही आवश्यक है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए कृषि उपज एवं पशुपालन अधिनियम 2017 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य से ही खरीद आरंभ करने के संबंध में तत्काल अध्यादेश लाना चाहिए, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों में अपनी उपज को बेचने पर विवश नहीं होना पड़े। अन्यथा सरकार की कथनी और करनी में ऐसा अंतर होगा जैसा हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। वहीं किसानों का कहना है कि अभी सरसों की बुआई चालू है, चने की तैयारी हो गई है, ऐसी स्थिति में किसान अपने खेतों पर फसलों को बदलने का विचार भी नहीं कर सकता। गत वर्ष सरसों के भाव 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे और भी 2,000 प्रति क्विंटल की गिरावट के साथ अब नीचे आ गए हैं, तो भी किसान सरसों की बुआई और चने की बुआई करेंगे। राजस्थान में तो अक्टूबर तक चले बरसात के दौर ने इन दोनों उपजों के लिए विशेष परिस्थिति उत्पन्न की है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों के अनुसार सरसों के दामों में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कम है। इसी प्रकार मसूर, गेहूं, चना में भी बढ़ोतरी न्यायोचित नहीं है। 48% तेल अंश के आधार पर भी सरसों के दाम 118 रुपए प्रति क्विंटल होने चाहिए, यानी कि सरकार के द्वारा लिया गया ये फैसला, फिलहाल किसान इस फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।